यार गर्मी बहुत है, एसी चला। गर्मी से परेशान होने पे सबसे पहले हमें जो याद आती है वो है एसी या फिर एयर कंडीशनर की। यह एक जादुई मशीन है जो कि झट से किसी भी तरह की कितनी भी गर्मी हो उस सब को कम करके माहौल को ठंडा ठंडा और कूल कूल बना देता है। एयर कंडीशनर की यह जादुई टेक्निक आज आपको हर जगह देखने मिल जाएगी। एसी वाले हॉल हो, एसी की ट्रेन, घर में एसी, गाड़ियों में एसी, हर जगह एसी जरूर लगा हुआ है। पर यही एसी आपके सेहत की ऐसी की तैसी भी कर सकता है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। पर क्यों एसी क्यों इतना खतरनाक हो सकता है और इसका गलत तरीके से प्रयोग आपको 80 से ज्यादा रोग क्यों पैदा कर सकता है और आप कैसे उन बीमारियों से बच सकते हैं, साथ ही अगर मजबूरी है एसी में रहना ही पड़ता है तब क्या करें, इन सभी सवालों को और जानकारियों को लेकर आज हम आपके लिए यह नया वीडियो लाए हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। स्वागत है आपका ओज आयुर्वेद में और आज हम बात कर रहे हैं एसी सेहत की कैसे एसी की तेसी कर देता है। एसी या एयर कंडीशनर का काम है माहौल को या फिर एटमॉस्फेयर को ठंडा करना। अब ये जो आर्टिफिशियल ठंडी है यही आपके सेहत के नुकसान का कारण बन जाती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो शीत गुण है वो वात और कफ के पास है। तत्र रूक्ष लघु शीत, ये जो शीत या ठंडक है यह हवा बढ़ाने वाली चीज है और एक बार आपके शरीर में हवा बढ़ गई तो उसके साथ साथ आपको ड्राइनेस या वायु के कई तकलीफ होंगे, जैसे कि जोड़ों का दर्द होना। आप में से बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि किसी भी तरह की अगर उनको ज्वाइंट की समस्या है तो एसी में रहते ही वो समस्या तुरंत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और एसी में अगर वो रात में सो गए तो सुबह उठते समय उनको बहुत तकलीफ होती है, वो इसलिए क्योंकि शरीर में वायु बढ़ गई। साथ ही साथ शरीर और दिमाग में रूखापन लाना ये भी एसी के कारण ज्यादा होता है। जैसे कि हम सभी ने बचपन में वो साइंस पढ़ा या सीखा है कि कोई भी चीज ठंडी होने पर सिकुड़ती है, छोटी हो जाती है, वैसे ही बहुत ज्यादा एसी में रहने से हमारा जो ब्रेन है या हमारे शरीर के जो जॉइंट्स है वो ठंडे पड़ने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, जिससे कि वायु का प्रकोप होके वो शरीर में 80 से ज्यादा बीमारियां पैदा करती है। वो फिर जोड़ों का दर्द हो, शरीर काला पड़ना हो, चेहरे का रंग उड़ जाना हो, नींद ना आना हो, दिमाग का चंचल हो, तनाव चिंता बहुत हो, ऐसे कई बीमारियों के आप नाम जोड़ सकते हैं जो कि हवा के कारण होती है। अब यही ठंड एक और बीमारी करती है, वो है कफ की। कफ के जो गुण हैं उसमें से एक गुण है गुरु शीतम, शीत अर्थात ठंडा। तो वायु और कफ ये दोनों ठंडे हैं तो इनकी ठंडक मिलकर खास करके दमा या श्वास के रोग बहुत पैदा करती है। दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, श्वास लेने में तकलीफ, सूखी खांसी आना या लंग्स रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं वो सभी समस्याएं ज्यादा ठंड के कारण होती हैं और एसी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ ये आर्टिफिशियल ठंड आपको और भी कई रोग पैदा कर देती है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, वो एक ठंड के कारण होने वाली बीमारी है जिसमें आलस बहुत ज्यादा आता है, या फिर फैटी लीवर या बाल बहुत कड़क हो जाना, इंसान का स्वभाव बहुत कड़क नेचर का हो जाना, ये सभी की सभी चीजें ज्यादा ठंड के कारण होती हैं। तो एसी आपको वायु के 80 और कफ के 20, 100 से ज्यादा रोगों का कारण बन सकता है। तो क्या करें अगर आप एसी में रहते ही हैं या मजबूरी है, कहीं काम करते हैं और वहां पे एसी यूज करना ही पड़ता है, जैसे कि अभी रिकॉर्डिंग चल रही है उस समय, या किसी भी मजबूरी में अगर आप एसी का प्रयोग करते हैं तो ऐसी किन चीजों का पालन करें जिससे कि बीमारी से बचा जा सके। नंबर एक, कोशिश करें कि हमेशा टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही हो, वो सबसे बेस्ट है। नंबर दो, जहां तक जरूरत हो एसी का प्रयोग ना करें, इससे आपकी बॉडी की हीट या टेम्परेचर में जो ढलने की आपकी क्षमता है वो बढ़ेगी और एसी में अगर आप रह रहे हैं तो आयुर्वेद के इन 4-5 नुस्खों का पालन कीजिए। नंबर एक, रोज स्नान से पहले पूरे शरीर में तेल लगाना। ठंडी हवा या एसी में रहने के कारण शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है, सूखापन आ जाता है, जिससे कि वायु बढ़ती है और रोग होते हैं। वायु के लिए सबसे बेस्ट दवा है तेल।
तो रोज स्नान से पहले पूरे शरीर पे तेल जरूर लगाइए, जिससे कि जो शरीर में रूखापन आता है उससे आप बच सके। साथ ही साथ तेल का कुल्ला करना, तेल को कान में डालना, ये सारी चीजें भी आपको ठंडक और हवा से बचाएगी। नंबर दो, गर्म पानी से स्नान करना। रूखापन या फिर ठंडक से जो चीजें सिकुड़ जाती है उन सभी चीजों में तेल लगाना और गर्म चीजों का भाप देना उसे फिर से नॉर्मल कर देता है। तो अगर आप बहुत लंबे समय तक एसी में रहते हैं तो रोज स्नान गर्म पानी से करना आपके लिए फायदेमंद है, इससे कि जो भी आपको जकड़ाहन या स्टिफनेस आया है वो सब का सब कंट्रोल में हो जाएगा। खाने में गर्म चीजों का प्रयोग करना, जैसे कि गुड़, सौंठ, ये दो चीजों की आप गोली बनाकर रख लीजिए और इसे मुंह में रखकर चूसना चाहिए। जिन लोगों को दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, श्वास के रोग या ठंडी के रोग हैं, जिनको बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है या हवा से कोई भी समस्या होती है, उनके लिए सौंठ और गुड़ की छोटी छोटी गोलियां बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी। खाने में घी का प्रयोग जरूर कीजिए और थोड़े से गर्म मसालों की मात्रा बढ़ा दीजिए, जैसे कि सौंठ है, हल्दी है, काली मिर्च है। इनकी जो गर्मी है वो ठंडी के कारण होने वाली बीमारियों से बचाने का काम करेगी। आयुर्वेद में बस्ती नाम की जो चिकित्सा कही गई है वो ठंड से होने वाले सभी रोगों में बेस्ट है। बस्ती अर्थात एनीमा, तेल का, पानी का नहीं। आयुर्वेद में बस्ती अर्थात जो मल द्वार होता है वहां से जो औषधियां चढ़ाई जाती हैं उसे बस्ती या एनीमा कहते हैं। तो रोज 20 से 30 ml तेल का खुद से ही आप घर पे खाना खाने के बाद शाम के समय बस्ती ले सकते हैं। ये आप नजदीकी किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर आप सीख सकते हो। तो यह बस्ती लेना आपके शरीर में जहां कहीं भी हवा वायु बिगड़ी है, वो चाहे सिर के नॉर्मल एक सेल से लेके एडी की हवा तक हो, उन सभी में सबसे बेस्ट चिकित्सा है। तो इसका पालन आप जरूर कीजिए। और अगर ऐसा है कि आप एसी में काम धाम करते पर आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज्यादा आने लग गया, तो आयुर्वेद में जो नश्य कर्म है, नाक में दो दो बूंद तिल का तेल या फिर घी डालना, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक शिरोधारा नाम का आयुर्वेद में ही एक टेक्निक है जिसमें सिर के ऊपर तेल की धारा गिराई जाती है, वो दिमाग को बहुत ज्यादा शांत करता है। तो जितने भी लोग हैं जो ऑफिस के काम ज्यादा करते हैं और तनाव, चिंता, बेचैनी, स्ट्रेस, दिमागी समस्याओं से परेशान है, उनको शिरोधारा करने से दिमाग उनका पूरा शांत हो जाता है। तो आयुर्वेद की इन 4-6 टिप्स का पालन जरूर कीजिए। ध्यान रखें, एसी का प्रयोग तभी करें जब सच में बहुत जरूरत हो, वरना जबरदस्ती की ठंड या आर्टिफिशियल ठंड आपके सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। आयुर्वेद के नुस्खों का पालन करेंगे तो एसी से होने वाली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो उन सभी के साथ शेयर कीजिए जितने भी लोग ठंडी हवा, पंखे के नीचे या बिना एसी के रह नहीं पाते, उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और YouTube पे ऐसी ही आयुर्वेद से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए ओज आयुर्वेद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नया वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाया करेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एसी आपके सेहत की ऐसी की तैसी ना करें, इसका ध्यान जरूर रखें। धन्यवाद।